इस वीडियो में हम मिनिमम स्कोर ऑफ ए पाथ बिटवीन टू सिटीज़ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक रोड्स एरे दिया हुआ है जिसका हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दो सिटीज़ के बीच में एज और उनका डिस्टेंस। तो बेसिकली आपको एक सिटीज़ का ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ सिटीज़ कनेक्टेड है बाई रोड और उनका डिस्टेंस आपको गिवन है। आपको बताना क्या है, दो सिटीज़ के बीच का स्कोर, बेसिकली वन और एन जो आपको दिया होगा उन सिटीज़ के बीच का स्कोर बताना है। स्कोर की डेफिनेशन उन्होंने दी है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रोड इन दिस पाथ, कि आप जो भी पाथ फॉलो करोगे उसमें जो भी सबसे छोटे डिस्टेंस की रोड होगी वो उन सिटीज़ के बीच का स्कोर होगा, और आप किन्हीं भी सिटीज़ के बीच में कितनी भी बार जा सकते हो। आप एक ही सिटीज़ को मल्टीपल टाइम्स ही विजिट कर सकते हो। बस आपको बताना क्या है कि उन दो सिटीज़ के बीच में आप कोई भी पाथ लो तो उसके बीच में सबसे छोटी रोड कौन सी है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको वन और फोर इनके बीच का सबसे छोटा स्कोर बताना है। आप अगर वन से फोर पे डायरेक्ट जाओगे तो आपका स्कोर कितना आएगा, सेवन आएगा। लेकिन आप ऐसे जाओगे वन से टू, टू से फोर, तो आपका स्कोर कितना आएगा, फाइव। जो भी आपकी मिनिमम एज होगी वो आपका स्कोर होगा। तो हम कैसे जाएंगे, वन से टू, टू से फोर, हमें रिटर्न क्या करना है, केवल जो भी हमारा मिनिमम स्कोर अचीव होगा वो। तो इसका आंसर होगा फाइव। इसी तरह अगर ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें जाना है वन से फोर। अगर हम ऐसे जाएँ वन से थ्री, थ्री से फोर, तो हमारा मिनिमम स्कोर क्या आएगा, फोर आएगा। लेकिन हम ऐसे जाएँ वन से टू, वापस टू से वन, फिर वन से थ्री, फिर थ्री से फोर, तो इस केस में हमारा मिनिमम कितना आएगा, टू आएगा। तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, हम डायरेक्ट ना जाने के बजाय घूम कर गए जिससे हमारा स्कोर छोटा आ रहा था, और हम एक ही सिटी को मल्टीपल विजिट कर सकते हैं। जैसे हम वन पर दोबारा आए, तो क्योंकि हम किसी भी सिटी पर कितनी बार भी जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, जो भी हमारा ग्राफ गिवन है इसकी सबसे छोटी एज बतानी। जो भी सबसे छोटी एज होगी पहले हम वन से उस सिटी पर चले जाएंगे, फिर वापस वन पर आ जाएंगे, और फिर जहाँ हमें जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें बस प्रॉब्लम में क्या करना है, जो भी सबसे छोटी एज हो वो रिटर्न करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा ग्राफ है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास क्या एल्गोरिथम होते हैं, BFS या DFS। तो आप कोई सा भी ट्रैवर्सल कर लो, ट्रैवर्स करते वक्त बस क्या करो, एक आंसर वेरिएबल लेके रखो और जो भी मिनिमम हो वो अपने आंसर में स्टोर करते चलो, बाकी आपका नॉर्मल ट्रैवर्सल रहेगा। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हम BFS ट्रैवर्सल को फॉलो करेंगे। हमें रोड्स एरे में एजिस की लिस्ट दी हुई है, एजिस और उनका डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारी n सिटीज़ है, वन से शुरू हो रही है, तो n प्लस वन साइज़ का एक वेक्टर चाहिए होगा, और वेक्टर का हर एक एलिमेंट क्या होगा, हमारा एडजेसेंट नेबर और उसका डिस्टेंस। और क्योंकि हमारी रोड बाई डायरेक्शनल है तो हर एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दो एलिमेंट स्टोर होंगे, एक तो u से v उसका डिस्टेंस, एक v से u उसका डिस्टेंस। तो हमने हमारी एजिस के लिए लूप चलाया, फिर हमने क्या किया, जो हमारा u था u के कॉरस्पॉन्डिंग v और उसका डिस्टेंस स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया, v और उसके कॉरस्पॉन्डिंग u और उसका डिस्टेंस स्टोर कर लिया, क्योंकि हमारी रोड बाई डायरेक्शनल है। इससे हमारी क्या आ गई, एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। अब हम इस पर अपना BFS ट्रैवर्सल लगा सकते हैं। BFS ट्रैवर्सल के लिए हमें क्या करना होता है, एक हमें विजिटेड एरिया मेंटेन करके चलना होता है, एक हमें क्यू चाहिए होती है। क्यू में हम स्टार्टिंग वर्टेक्स, स्टार्टिंग हमेशा हमारी वन से होगी, तो हम फर्स्ट नोड को पुश कर देंगे और इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर हम लूप चलाएंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी क्यू का फ्रंट एलिमेंट होगा उसको ले लेंगे अपने यू वेरिएबल में और उसको पॉप कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी नोड आई इसके एडजेसेंट नेबर्स को ट्रैवर्स करना है, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, जो भी इसके एडजेसेंसी लिस्ट में नेबर्स हैं इसके उनको ट्रैवर्स करो। उसमें क्या क्या होगा, एक तो नेबर की नोड जो हम वी में ले रहे हैं, और उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम इस वेरिएबल में ले ले रहे हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें मिनिमम वैल्यू की चाहिए थी। तो जो भी हमारा ये डिस्टेंस आएगा हम इसको हमारे आंसर से कंपेयर करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम आंसर क्या ले लेंगे, इंट मैक्स की मैक्सिमम एक बड़ा सा नंबर, उसको हमारी इस एज वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी मिनिमम होगा उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये नेबर आया वी आया, अगर ये ऑलरेडी इन क्यू में नहीं है, यानी कि ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो उसे क्यू में पुश करना है। तो हमने वही कर रहे हैं कि अगर ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो उसे क्यू में पुश कर दो और इसको विजिटेड मार्क कर दो। लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा पूरा ग्राफ ट्रैवर्स हो जाएगा और आंसर में हमारा मिनिमम एज स्टोर हो जाएगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने स्टैंडर्ड BFS ट्रैवर्सल ही लगाया। स्टार्टिंग में हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, उस पर हमारा नॉर्मल BFS ट्रैवर्सल लगाया, बस फर्क कितना है, हमने ये लाइन ऐड की है, आंसर इक्वल टू मिन ऑफ आंसर कॉमा डिस्टेंस, कि हम हर एक एज जो ट्रैवर्स करते जा रहे हैं उसका मिनिमम हम आंसर में अपडेट करते जा रहे हैं।
इससे हमारे आंसर में मिनिमम एज आ जाएगी। बाकी हमारा स्टैंडर्ड BFS ट्रैवर्सल ही है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हम स्टैंडर्ड BFS ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ वी प्लस ई, वी क्या है आपके नंबर ऑफ वर्टेसिस, ई क्या है आपकी नंबर ऑफ एजिस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक तो हमने विजिटेड एरिया लिया एन साइज का, और एक हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक तो वी साइज का वेक्टर लेंगे और उसके अंदर हम सारी एजिस को स्टोर करेंगे, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी ऑफ वी प्लस ई। थैंक यू गाइस।